प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 16वीं वर्कशीट को पढ़ने, समझने और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी और 11 अगस्त की है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी शेयर कीजिए। और अगर आपको पुरानी वाली वर्कशीट की वीडियो देखनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप पुरानी सभी वर्कशीट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट की खास बात है कि हमारे पास हिंदी क्षितिज का जो पहला पार्ट है, दो बैलों की कथा, वो पार्ट आज की वीडियो में शुरू हो चुका है। और इस पार्ट के लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो हिंदी में हमारे पास पहला पार्ट दो बैलों की कथा है, आइए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी के पास दो बैल हैं और दोनों बैलों के नाम है हीरा और मोती। प्रेमचंद ने हीरा और मोती के माध्यम से इस पाठ में हमें ये सिखाया है कि हमें किस तरह रहना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। दो बैल जो कि जानवर हैं, जानवरों के माध्यम से ये बताया है कि इंसानों को किस तरह से रहना चाहिए। साथ में जानवरों और इंसानों के जो आपस में तालमेल है उसे भी दिखाया है। दोनों पछाई जाति के थे, पछाई जाति बैलों की जाति होती तो उसमें एक जाति है पछाई जाति। कैसे थे वे, देखने में बड़े सुंदर थे, काम में बड़े चौकस थे, बहुत अच्छा काम करते थे, है ना। मतलब एक खेतों, दो खेतों, चार खेतों, सबको इन्होंने जोतना है और कभी भी ये टालते नहीं थे काम में। डील में भी ऊँचे थे और हाइट इनकी बड़ी ऊँची ऊँची। बहुत समय साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था, भाईचारा। तो यहाँ पर दोनों बैलों ने हमें बताया है कि जब हम काफ़ी लंबे समय से आपस में साथ रहने लग जाते हैं तो हमें आपस में प्यार प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। हम लोग घर में अपने भाई बहनों के साथ हमें प्रेम से रहना चाहिए, मम्मी पापा के साथ प्रेम से रहना चाहिए, है ना। दोनों आमने सामने या साथ बैठे बैठे एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते। मूक भाषा होती है जो बिना बोले समझ जाना, है ना, इशारों में कह सकते हैं। विचार विनिमय यानी कि बातें करना। दोनों बैल आपस में बातें कैसे करते होंगे, बोलते तो है नहीं, लेकिन वो मूक भाषा में यानी कि वो इशारों में या दिल की बात एक दूसरे की समझ जाते थे दोनों बैल आपस में एक दूसरे की, जो कि इंसान भी ये बातें नहीं समझ पाता। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम कह नहीं सकते, यानी कि दोनों बैल हीरा मोती की बात समझ जाता था और मोती हीरा की बात समझ जाता था। अवश्य ही उनमें ऐसी शक्ति थी, कोई पावर था उनमें जो कि कुछ हटके था। दोनों एक दूसरे की बातें समझ जाते थे, जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। प्राणियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो प्राणी माना जाता है वो माना जाता है मनुष्य, है ना। तो सबसे इंटेलिजेंट मनुष्य होता है जीवों में, प्राणियों में, लेकिन मनुष्यों में भी ये टैलेंट नहीं है, यानी कि मूक भाषा में वो आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते जो कि दोनों बैल समझ जाते हैं। यहाँ पर दोनों बैलों को इंसान से ऊपर बढ़कर बताया है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, भाई दोनों बैल आपस में उनका प्रेम करने का तरीका, प्यार करने का तरीका, वो एक दूसरे को चाटते, कई बार सूंघते और कई बार क्या करते, दोनों एक दूसरे से सींग मिलाते। और सींग तो देखो लड़ाई में भी सींग मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ाई में सींग नहीं मिला रहे, बल्कि एक प्यार में, यानी कि जब हम थोड़ा सा हल्का सा कुश्ती करते हैं या हम थोड़ी सी मतलब खेलते हैं जैसे गेम, तो ऐसे ही दोनों बैलों में भी सींग मिला करके चाट के सूंघ के प्रेम प्रकट करते थे। विग्रह के नाते नहीं, यानी कि लड़ते नहीं थे दोनों, सींग मिलाने का मतलब ये नहीं कि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों प्रेम से एक दूसरे से रहते थे। आत्मीयता के भाव से दोस्तों में घनिष्ठता होते दौल दप्पा होने लगता है। इतनी दोनों में आत्मीयता, इतना दोनों में अपनापन, दोनों एक दूसरे के लिए इतना सोचते थे, हीरा मोती के लिए और मोती हीरा के लिए, कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो ये है आज की हमारी दो बैलों की कथा का पहला अंश, पहला भाग। और
यहाँ पर आपने देखा कि जो दोनों बैल हैं वो झूरी के हैं और दोनों बैलों की काफ़ी सारी विशेषताओं का आपको पता चला। तो चलिए यहाँ पर हम पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है? तो देखो चार ऑप्शन है आपके पास, कामतानाथ, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन और महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है उसका आपने क्या करना है, सर्कल करना है। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद, है ना, गद्यांश के लेखक कौन है, प्रेमचंद है। दूसरा है, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे, कौन सी जाति के थे दोनों बैल? तो यहाँ पर ऑप्शन देना मिस हो गया है, तो इसका उत्तर लिखोगे आप पछाई जाति। ठीक है, तो दोनों बैल किस जाति के थे, पछाई जाति के, इसका उत्तर। तीसरा देखो, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? तो दोनों बैल आपस में, जो दोनों बैल हैं हीरा मोती, वो अपने प्रेम को कैसे जताते थे, चाट कर और सुनकर, देखकर, रोकर या खाना देकर? तो देखो भाई, दोनों बैल आपस में चाट कर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पर दो सवाल आपके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन वाले हैं, यानी कि जिनको आपको थोड़ा सा आप बड़ा करके लिखना है, उसमें अपनी व्यूज लिखने हैं, चौथा और पांचवा। तो चलिए इन सवालों को हम लिख करके समझ लेते हैं। चलिए, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उनके यानी कि दोनों बैलों के, हीरा और मोती के, यहाँ पर स्वभाव की विशेषता बतानी है। तो देखो यहाँ पर उत्तर इस तरह से लिखोगे, यहाँ गद्यांश में हीरा और मोती दोनों बैलों के स्वभाव की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। देखो पहला है, लंबे समय से साथ रहते हुए दोनों बैलों में भाईचारे का होना। दोनों बैल लंबे समय से साथ में रहते हैं और दोनों में फ्रेंडशिप, दोस्ती, भाईचारा हो गया था। दूसरा देखो, दोनों का आपस में, सॉरी मूक भाषा, ये मूक भाषा है, तो दोनों का आपस में मूक भाषा में बातें करना, ये उनकी क्वालिटी थी, स्वभाव की विशेषता थी। तीसरा है, दोनों बैलों का आपस में एक दूसरे को चाट कर या सुनकर अपना प्रेम प्रकट करना। और चौथा है, दोनों का आपस में सींग मिलाकर अपना प्रेम दिखाना। तो ये उनके स्वभाव की विशेषता थी। आगे भी हम और सारी, बहुत सारी उनके स्वभाव की विशेषताओं को जानेंगे। चलिए पांचवा सवाल है, अवश्य ही उनमें ऐसी शक्ति थी जिसने जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इस पंक्ति का क्या मतलब है, क्या आशय है, क्या भाव है? तो चलिए इसका उत्तर देखो, वस्तुतः जीवों में मनुष्य ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी समझा जाता है। इंसान को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, समझदार माना जाता है, फिर भी इंसान आपस में एक दूसरे की बातों को सही से नहीं समझ पाते, है ना, एक इंसान दूसरे की बात को सही से नहीं समझ पाता। जबकि दोनों बैल आपस में मूक भाषा में भी बात करके एक दूसरे की बात समझ लिया करते। भाई दोनों बैल हैं और दोनों बैल गुप्त रूप से, यानी कि सिर्फ इशारों में ही, दिल से ही एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। तो यहाँ हीरा और मोती की शक्ति को इंसानों से बढ़कर बताया है कि वो एक दूसरे के दिल की बात को समझ जाया करते थे। तो आप भी, क्या आप भी अपने किसी दोस्त की दिल की बात को समझ पाते हैं? यानी कि आपका दोस्त आपसे कुछ बोले ना, लेकिन आपने उसकी बात समझ ली हो, तो कब हुआ आपके साथ, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर, और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।